ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जीवनी शक्ति और ऊर्जा के देवता ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 10 मई 2023 की दोपहर में 1:44 पर मंगल मिथुन राशि को छोड़कर आपकी राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं और आने वाले 1 जुलाई 2023 तक यानी 50 दिनों तक मंगल आपकी राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो इसका देश काल वातावरण के ऊपर, सैनिक के ऊपर काफी गहरा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा और मंगल का यह राशि परिवर्तन समस्त 12 राशि वाले जातकों के जीवन में भी अलग अलग प्रभाव डालने वाला है। इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। कर्क राशि के जातकों, मंगल ग्रह आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह बनते हैं और आपकी राशि में नीचस्थ स्थितियों में गोचर कर रहे हैं, तो क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए और किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता दे सकते हैं, इस वीडियो में यही आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, मंगल के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, वैदिक ज्योतिष में मंगल को ग्रहों का सेनापति और युद्ध का देवता कहा जाता है। मंगल को साहस का, छोटे भाई बहनों का, ताकत का, अचल संपत्ति का, सौतेली मां का, युद्ध का और विज्ञान का कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर मंगल का पूर्ण आधिपत्य होता है। मंगल की स्थिति यदि जन्म कुंडली पर अनुकूल और मजबूत हो तो कई प्रकार की सफलता जीवन में देखने के लिए मिलती है। मंगल यदि बलि हो तो जातक के अंदर लीडरशिप क्षमता और अभूतपूर्व साहस देखने के लिए मिलता है। ऐसा व्यक्ति किसी के दबाव में रहकर कार्य करना पसंद नहीं करता है। मंगल मजबूत हो तो खेल, सेना और शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्षेत्रों में कम प्रयास में बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है। यानी सेना के क्षेत्र में यदि आप प्रयास कर रहे हैं, मंगल बलि हैं, तो बहुत जल्दी सफलता देखने के लिए मिलती है। मंगल अनुकूल हो तो भूमि, भवन, वाहन का भरपूर लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक के छोटे भाई बहन कर्म क्षेत्र में और व्यक्तिगत जीवन में विशेष उन्नति करते हैं। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी माने जाते हैं। ये मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं, वहीं आपकी राशि में 0 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक ये नीचस्थ स्थितियों में होते हैं। और जन्म कुंडली पर जब मंगल नीच के हो जाएं, खराब स्थितियों में हो जाएं, अस्तगत स्थितियों में हो जाएं, तो ऐसे जातक को रक्तचाप, ट्यूमर, अल्सर, बीपी की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। शत्रु हावी होने का प्रयास करते हैं। पारिवारिक जीवन में लगातार कलह और समस्या बनती है। मंगल खराब हो तो जमीन जायदाद से संबंधित मुकदमेबाजी हमेशा बनी रहती है। इसमें जातक के धन का अपव्यय होता है और विजय कम मिलती है। मंगल यदि खराब हो जाए और मांगलिक दोष का निर्माण यदि जन्म कुंडली पर हो जाए तो फिर इसको विवाह में विलंब का सामना भी जातक को झेलना पड़ता है। तब आइए हम आपको बताते हैं, आइए जानकारी देते हैं कि आपकी राशि के लिए यानी कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह परिवर्तन किस प्रकार की स्थितियां दे रहा है। तो देखिये, मंगल ग्रह आपकी राशि के संतान भाव और आपकी राशि के कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो 10 मई को आपके राशि के प्रथम भाव यानी लगन भाव पर ही गोचर करने वाले हैं। राशि के प्रथम भाव से व्यक्ति के शरीर, व्यक्तित्व, आचार विचार और चरित्र के बारे में विचार करते हैं। लगन पर मंगल मौजूद होकर अपने चतुर्थ नीचस्थ दृष्टि से आपके राशि के सुख भाव को देख रहे हैं। सप्तम दृष्टि से आपके राशि के वैवाहिक भाव को देख रहे हैं और अष्टम दृष्टि से आपके आयु भाव को देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो धन के मामले में आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं
पूर्व के समय से ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी यदि आपको कर्ज की स्थिति लगातार परेशान कर रही थी या धन के मामले में यदि आपको चुनौतियां देखने के लिए मिल रही थी, धन वृद्धि और अकस्मात धन लाभ होने की प्रबल योग आपके जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए सफलता की विशेष संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। विदेश में जाकर यदि आप किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय संचालित करना चाहते हैं या विदेश जाने की योजना यदि आप मन में बनाकर चल रहे हैं, इसमें आपको सफलता देखने के लिए मिल सकती है। आपके जीवन में वैवाहिक संबंधों को लेकर किसी प्रकार की यदि आपको समस्या बनी आ रही थी, वैवाहिक जीवन में आपको लगातार सकारात्मकता देखने के लिए मिलेगी। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको देखने के लिए मिलेगा। कर्क राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप तलाश कर रहे हैं, इसमें आपको जीवन में बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। अकस्मात आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि होने की संभावना दिखाई दे रही है। लगन पर मंगलदेव प्रभावी रहेंगे, नीचस्थ स्थितियों में प्रभावी रहेंगे, तो सेहत के मामले में आपको गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर कर्क राशि वाले जातकों को अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। खास तौर से यदि आप वाहन चलाते हैं तो नियमों का पालन करें। टू व्हीलर व्हीकल यदि आप चलाते हैं तो आपको हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। फोर व्हीलर यदि आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट का प्रयोग करके धीमी रफ्तार में वाहन चलाना चाहिए। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्रोध में आपको अकस्मात वृद्धि ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि मंगल लगन पर मौजूद रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में और आपके शरीर में ऊर्जा की प्रधानता रहेगी, ऊर्जा आपकी बढ़ी हुई रहेगी। तो यदि आप जीवन में कार्यों को कर रहे हैं, कई कार्यों को एक साथ करने की सोच रहे हैं, यहां पर आपको सावधान रहना चाहिए। या यदि आप व्यापारिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है और कोई बड़ी धनराशि का निवेश करने की सोच रहे हैं, हड़बड़ाहट में आकर आपको निवेश करते समय सावधानी रखने की ज्यादा आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके जीवन में श्रेष्ठता देने वाला है। उसके साथ साथ यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगर सावधानियों की जानकारी दिया जाए, दो विशेष सावधानी कर्क राशि वाले जातकों को जरूर रखने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों को यहां पर चूंकि मंगल आपके लगन पर प्रभावी हैं, तो जीवन में अपने गुप्त राज को किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करने से आपको बचना चाहिए। आने वाले समय के लिए जो भी आप प्लानिंग करके रखे हुए हैं उसको किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करने से बचें। दूसरी सावधानी कर्क राशि वाले जातकों को यह रखनी चाहिए, व्यर्थ के वाद विवाद, व्यर्थ के कलह, व्यर्थ के नोक झोंक से बचना है। वाणी पर नपे तुले शब्दों का प्रयोग करके चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके जीवन में काफी ज्यादा अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। अब अगर आपके लिए हम धार्मिक उपाय की जानकारी दें, धार्मिक दृष्टिकोण से शुभता अर्जित करने के लिए, मंगल जनित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना बेहतर रहेगा। यदि आप हनुमान मंदिर में जाकर पाठ करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में और भी ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनने वाली है। मंगल को मजबूत करने के लिए तीन मुख्य रुद्राक्ष धारण करना बेहतर रहेगा। एक लाल रंग का रुमाल आप अपने जेब में हमेशा रखें। मंगलवार के दिन यदि आप हनुमान मंदिर में जाकर लाल ध्वज स्थापित करते हैं या फहराते हैं, बंदरों को गुड़ और चने यदि आप डालते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में काफी सकारात्मक बनेगी। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को
यदि आप देखना चाहते हैं इस चैनल से आप जरूर जुड़े। ओम नमः शिवाय।